इस दुनिया का एक नागरिक होने के नाते, being a human being, being a human, I think it's your duty to do something for a fellow human being. निदा फाजली एक बहुत हमारे मशहूर शायर हुए, उनका एक शेर था, वो कहते थे कि गली के नुक्कड़ पे बच्चा मुस्कुराता, गली के नुक्कड़ पे बच्चा मुस्कुराता, हैरान हूं कोई काशी काबा क्यों जाता। उस बच्चे की शक्ल देख लो तो भगवान वही है, काशी जाने की जरूरत नहीं, काबा जाने की जरूरत। तो इस बात को मैंने समझ लिया कि ये जो बच्चे हैं, इनकी जो मुस्कान है, इनके चेहरे पे जो मुस्कान है, वो हमारे लिए सब कुछ है। और इसी बात को लेके हम आज इतने सालों से चले आ रहे हैं, और उसी को देखते हुए मैंने ये रियलाइज किया है कि कितने सारे लोग इस अभियान में जुड़े हुए हमारे साथ। जैसे यू कैन लुक एट जैस्मिन बेन, शी इज आवर इंस्पिरेशन। There is Dr. Pangam, there is Rashmi Bhai, there is Suresh Bhai, all these people. And now we have our dear brother Jackie also, who has joined us, Jagubar. The point is that iske piche ek hi maksad hai, ek hi, there is only one motive, there is only one एम, कि ये भारत जो है हमारा, वो थैलेसीमिया से फ्री हो और किसी भी माँ बाप को ये ना देखना पड़े कि बच्चे के अंदर सुई लगी है, उसमें से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। हमें वो दिन देखना है, बस वही हमारा मकसद है, हमारी जिंदगी का यही मकसद है कि हम एक दिन ऐसा देखें कि हमें पता चले कि हिंदुस्तान में थैलेसीमिया नहीं है। और ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे साइप्रस एक देश है, आप मानेंगे नहीं, साइप्रस में 80% और 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ साइप्रस वाज थैलेसीमिक। और उस देश ने और उस देश के नागरिकों ने ऐसा काम किया कि एज ऑफ टुडे इन 2019 साइप्रस जो देश है पूरा इस तरह से में फ्री, उस देश में तरह से में। तो मैं समझता हूं कि हम 100% वी कैन अचीव दिस टारगेट फॉर श्योर। और उसके लिए मैं ट्रांस एशिया मिस्टर मिसेस वजीरानी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने टेकन दिस स्टेप to help us in our only motive, only aim of making India thalassemia free. मैं भाई जैकी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि he has come forward to help us in this entire mission of thalassemia free India. I'm thankful to the principal of HR College, obviously, for giving us this opportunity to meet you all. Because let me tell you that you are the ones who are our future. You are the ones who are going to tell the world that please make India thalassemia free. So I really, really thank all of you to be here and make this afternoon very important to make India thalassemia free. And let's all work in this direction. Thank you so much. Thank you very much, Pankaj Udas ji, for such a motivational inspiration and a touchy message. Pankaj bhai ka kya mission hai? Wo dikha diya hu. Ye bachchi ko BNT kiya.
I will now request a person who doesn't require any introduction. समझा ना,
तो अपना आप लोग भी है, आप लोग का भी टाइम है, बच्चे मदर है, आएगा ना बेटा, आएगा ना, बोल ना आएगा मेरा बच्चा, सबका माशाल्लाह। तो उसको जब लाएगा तो जरा सोच के लाना भाई, थोड़ा सा सोच लेना, अपने मम्मी पापा दोनों जन ना, अपना लेडी एंड जेंटलमैन दोनों चेक कर लो बस, कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं है, अच्छा है कि अपने को मौका मिल रहा है हिंदुस्तान में, इस मुंबई शहर में, समझा? छोटे छोटे गांव में मुश्किल है, मशीनें नहीं है, कहां कैसे पहुंचूंगा मैं? कोशिश सबकी लगी है, सबने अपना जान दे दिया है, पैसे दे रहे, कोई मशीनें दे रहे, मगर गांव गांव में कैसे पहुंचाने का, अपनी कोशिश करने का, वो है ना सर बॉस। तो इनका मशीन जो है बहुत अच्छा सस्ता बना रहे, जो कहीं भी ले जा सकते, फ्री में दे रहे ना, बहुत बड़ी बात है गुरु। और ये अगर ऐसा बाबा हम लोग को ज्यादा देते रहे, तो आप जो बोल रहे हैं ना कि अपने को इरेडिकेट करने का है, चल अपन लोग तो नसीब है कि अपन लोग आज मुंबई शहर में अपने माँ बाप ने अपने को पढ़ा लिखाने के लिए पैसे दिए, भेजे, कैसा भेजे अपने को मालूम है। अपना फर्ज बनता है अपने किचन में अगर अपने स्टाफ को, उन लोग को एडवाइस करने का, तो गांव गांव में पहुंच जाएंगे, झारखंड में पहुंच जाएंगे, बिहार में पहुंच जाएंगे, गुजरात की बोल में, सब जगह पहुंचेंगे, क्योंकि आते हैं सब जगह से आते हैं। किचन में पहले बात कर देने का, भाई जरा चेक कर लेना बच्चा पैदा करने से पहले, नहीं सीरियसली बोलो, है ना? तो किचन में बोल दे तो समझ गया, सीधा तार लग जाएगा यहाँ से उधर तक, अरे ये कह रहे हैं ब्लड चेक कर ले, क्यों बोल रहे हैं? ये ना किचन की बात बैठे जाए पापा को जाना है। डॉक्टर साहब आप थैंक यू, प्रिंसिपल साहब आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर, आप लोग जो असली है आप लोग भी अपने किचन में बात कर देना, इस क्रिएट कर दिया ना तो अपने गांव गांव में बमबार्ड हो जाएगा, और तो मेरे को कोई लगता नहीं, और कैसा कर सकता मेरे को नहीं मालूम लगे। हम लोग होर्डिंग पे हम लोग ये बवाल टीवी आप लोग दिखा दो, प्रेस वाले आप लोग को हर रोज बोलना चाहिए अच्छी बात है, बिल्कुल हर रोज एक नया रबड़े है, है। बोलने का मतलब बेटा चांद देख दाग को कम देख, चांद पे दाग है मगर दाग को कम देखो, चांद को देखो भाई। तो जो ये चांद की बातें जो इन्होंने जो चांदनी फैलाई है हमारी मंडी खेती में, आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए, हम होश में आ रहे थे, इन्होंने फिर मुस्कुरा दिए। तो हमारी जान के लिए हमारा जान है, तो सबके लिए जान है हमारा भजी, हमारे इनका ब्लेसिंग हम सब पे रहे, आप जैसे बड़ों का रहे, पद्मश्री जी आप जैसे भी हमारे भाई का रहे, मैडम आप सब का रहे, सर आपका भी बोल वचन बहुत बराबर है, ऐसे बोलते रहो अपने भाषण में बोलते रहो, बहुत पावरफुल वीडियो वीडियो आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई सुना नहीं होगा आपके टाइम के पीछे ऐसा भी हो रहा है दादा, बहुत सर बस इतना ही है बाबा, अपने को ना अपना टेस्ट करने का है, किस तरह से करने का है वो है मेन इशू आज का, वही है आप लोग सुबह से बढ़ रहे समझता हूँ मेरा, लेकिन जो सुनके जा रहा है वो बोलते रहेगा, वाकई हम बोलते रहेगा बेटा, बच्चे लोग को सफर करते हुए हम लोग ने देख लिया है, हम लोग जाकर आप लोग को भी एक खाली जाके देख, एक बार देख असलियत देख, एक बार देख उनके छोटे पैर में वो मिलता नहीं है, उनको नसें नसे नहीं मिलती हाथ का, तो उनको पैर में डालना पड़ता है, समझा छोड़ी, और पैर की वो इतना स्किन इतना पतला है ना बॉस, भैंड बच जाता है यार, मैं देखता हूँ मेरे को बहुत भारी पड़ता है। तो मैं तो इसीलिए आया हूँ, मेरे को अच्छा लगा, कॉलेज में भी आया हूँ, राजेश खन्ना साहब भी पढ़ते थे यहाँ पर, क्या सुंदरता क्या बड़ी बात है। फिर यहाँ पे बहुत बार घुमा हूँ मैं, कॉलेज के बाहर पता हुआ नहीं, मगर सॉरी सर नहीं रवि मैं कोशिश ये कर रहा था कि कोई मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा मेरे से ज्यादा हो,
और उनके दिल में थोड़ा सा माँ का दिल हो और बाप का थोड़ा हो कि मेरे को समझा है कि कॉलेज क्या होता था। तो मैं सब कॉलेज में घूमता था, एसएससी पास कर गया था, इला पैसा था नहीं और वेस्ट करने को मम्मी, तो मैं बोला जाने दे, बर्तन और साड़ियाँ बेच कर, मैं बोला जाने दो। मैंने बोला मैं नहीं करूँ, बोला नहीं करूँ, बोला वेरी गुड। मैं हर कॉलेज में गया सिर्फ सिडनम छोड़ के, क्योंकि सिडनम में जब 75 के ऊपर कुछ होते थे उन लोग होते थे, तो उनकी बातें तो जरा भी नहीं समझ में आई। ऐसी बात नहीं, अच्छी बात है कि वहां से इतने जहीन बच्चे निकले, मेरा क्या, मैं बंदर अगर इन्हें मत। तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव ड्रेडेड टू गो टू सम कॉलेज, सम कॉलेजेस वर ओपन, द कैंटीन्स वर ओपन, द हार्ट्स वर ओपन। कैंटीन में जाके बैठ के खाता था, जहीन में जाता था, सेंट जेवियर्स में कभी चला जाता था, दोस्त लोग थे, एल्फिंस में चला जाता, विल्सन और भवंस में जाके लास्ट मेरा बैठता था। तो सुबह जो मैं कॉलेज का लेकिन मिलता था, सब कैंटीन पकड़ लेता था, सब मेरे दोस्त लोग थे कॉलेज वाले, तो मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं कॉलेज गया नहीं। और आज ये कॉलेज में वापिस से आप लोग बुलाए, मेरे को बार बार बुलाते रहना, कुछ भी है बड़ो, कुछ ना कुछ तो उठाने का है। सबसे पहला सांस उठाने को सीखने का, सबसे 5 मिनट, एक एक मिनट का ध्यान रखने का, भिड़ू मर जाने का, शवासन, कोई ना संग मरे। अच्छा बहुत माँ से बहुत प्यार किया गया नहीं तो समझ जाने का, लव है मगर लव यहाँ दिखा, भिड़ू जाने के बाद सोच के मत दिखा। तो पहले सांस को ले, जाने से पहले सांस को प्यार कर, एक एक मिनट का लंबा 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 सांस आना, पहुंच के लेने का बॉस खुला रहना चाहिए, पाइप खुला रखने के 1 घंटे में एक बार हवा देखने का चाह जा रहे के नहीं, सीरियसली बिल्डो एक रुमाल रख लेना, तो रुमाल भी रखने की आदत रखो, हाथ साफ रखने का, खाते वक्त बोलने का नहीं, बच्चों को बोलते थे ताकि चौक हो जाएगा, ये सारी चीजें ध्यान रहे। टीवी दिखा दे बीच में हंसा तो गेम सेट, ना हंसता ऐसा ना हो, मैं नहीं चाहता, हंसी की बात है, मगर जान जिसकी जाती है उसके घर में क्या लगता है मेरे को मालूम है। बहुत संभालने का डालिंग बच्चे लोग को, बहुत सारी चीजें हैं, तरसे में आ तो 100% है उसकी। आज बातें हुई, आज पतंग वाले ने हमारे को बुलाया, हमारी मजिठिया मैडम हमको हमेशा बुलाती है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ